नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। तमिलनाडु में भारी बारिश, अब तक 55 लोगों की मौत। तमिलनाडु में वर्षा जनित हादसों के कारण 7 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। उत्तर पूर्वी मानसून के प्रभाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात बाधित हो गया है। सेंट थॉमस माउंट और वेलाचेरी समेत दक्षिण चेन्नई के कई हिस्सों में काफी जलभराव है, जिसके कारण रेलवे पुल पानी में डूब गए हैं। चेन्नई, वेलोर, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम समेत उत्तरी जिलों में स्कूल एवं कॉलेज बंद रहे। राज्य की राजधानी में दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्हें कार्यालय तक जाने के लिए घुटने तक और कुछ स्थानों पर कमर तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। चेन्नई शहर और 7 अन्य जिलों में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बाधित हुईं और कई उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा। ब्रिटिश एयरवेज पर भड़के सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए ब्रिटिश एयरवेज पर शुक्रवार को जमकर गुस्सा निकाला। सचिन ने लगातार ट्वीट कर ब्रिटिश एयरवेज के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। एयरवेज ने विमान में सीटें उपलब्ध होने के बावजूद सचिन के परिजनों का टिकट कंफर्म नहीं किया। सचिन ने शिकायत की एयरवेज ने उनके सामान को भी गलत पते पर भेज दिया। तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, गुस्से में, निराश और हताश हूं। सचिन के ट्वीट जल्दी ही सोशल मीडिया पर फैल गए, जिसके बाद एयरवेज को उनसे माफी मांगनी पड़ी। भारत ने कहा, भुगतना पड़ रहा है संयुक्त राष्ट्र की प्रभावहीनता का खामियाजा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली की कटु आलोचना करते हुए कहा कि विश्व संस्था के प्रभावहीन होने का बड़ा खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और शांति बनाए रखने के लिए शांति रक्षकों के प्रयोग में असफल रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जिम्मेदार ठहराया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अशोक मुखर्जी ने परिषद की वार्षिक रिपोर्ट को अस्पष्ट और गैर जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट इस बात का कोई उत्तर नहीं देती कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था ने विश्व को हिंसा और संघर्ष की राह पर और अधिक नीचे क्यों जाने दिया। शरीफ ने बताया, पाकिस्तान को उदारवादी देश, मुल्ला मौलवी नाराज। पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने देश को उदारवादी बताने के लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इन नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान उदारवादी राष्ट्र नहीं है और संविधान में उसके लिए केवल इस्लामिक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की व्यवस्था है। नवाज शरीफ ने 11 नवंबर को दिवाली के दिन कराची में हिंदुओं के आयोजन में कहा था कि पाकिस्तान एक उदारवादी देश है और उसके किसी भी नागरिक पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू पर हमला करता है तो वह उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।